प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने हमारे स्टडी परिवार में तो डियर जो है हम लोग वर्कबिलिटी टेस्ट जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वर्कबिलिटी टेस्ट जो कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है तो इसमें दो टेस्ट हमने अब तक जो है पढ़ा था पहला पढ़ा था स्लम्प टेस्ट है ना पहला पढ़ा था स्लम्प टेस्ट और दूसरा पढ़ा था कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्सन फैक्टर टेस्ट है न ये दो टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था और आज की सेशन्स से 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 में हम लोग तीसरा टेस्ट जो कि फ्लो टेस्ट है है ना फ्लो टेबल फ्लो टेबल टेस्ट तो आज हम लोग जो है फ़्लो टेबल टेस्ट पढ़ेंगे ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो कि हमें इंडिकेशन प्रोवाइड करता है क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैसा है विद रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी कोहेसिवनेस एंड प्रोनेस ऑफ टू द दग्रीगेट जो फ्लो टेबल होता है विद सेवेंटी सिक्स डायमीटर डाया होता है है ना जो फ्लो टेबल होता है वो इस तरीके से बना होता है ये पूरा गोल होता है ना इस पर uh, इस तरीके से लगा होता है और ये स्टैंड से बंधा होता है है ना ये पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से स्टैंड से ये बना होता है बंधा होता है और ये टेबल होता है फ्लो करता है तो इसका जो डायमीटर होता है ना है ना यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर होता है वो सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर होता है यानी सेवेंटी सिक्स यानी सात सौ साठ एम एम है ना सेवनटी सिक्स सेंटीमीटर यानी सात सौ साठ एम एम का जो है इसका डायमीटर होता है जो कि कंसेंट्रिक सर्कल के तौर पे ये आपका होता है तो इस टेस्ट में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड मास होता है कंक्रीट का वो आ, ज्वेल्टिंग होता है और स्प्रेड और द फ्लो ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड ना फ्लो ऑफ कंक्रीट को मेज़र किया जाता है एंड दिस फ्लो इज़ रिलेटेड टू वर्कबिलिटी और ये जो फ़्लो होता है ये रिलेटेड होता है वर्कबिलिटी से कि कितना भाई हमारा फ्लो हो रहा है ये जो टेस्ट है ये हाई uh, वर्कबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है जो फ्लो टेबल टेस्ट होता है इसमें जो वर्कबिलिटी है उसमें हाई वर्कबलिटी को मेजर किया जाता है जो कि कंसिस्ट करता है सर्कुलर टेबल जिसका डायमीटर जो है सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर होता है और एक मॉल्ड होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम होता है है ना यहाँ पे फ्रस्टम के फॉर्म में एक मॉल्ड जो है आपका लगा होता है जो इसका टॉप डायमीटर जो है सत्रह सेंटीमीटर बॉटम डायमीटर जो है पच्चीस सेंटीमीटर और हाइट जो है बारह सेंटीमीटर होता है है ना जो फ टेस्ट होता है उसमें तो, उस उसपे फ्रस्टम लगा रहता है इस तरीके से तो बॉटम का जो है आपका होता है पच्चीस सेंटीमीटर टॉप का जो होता है सत्रह सेंटीमीटर और इसका जो हाइट होता है वो होता है बारह सेंटीमीटर ठीक है जो मॉल्ड होता है वो प्लेस किया जाता है टेबल पे है ना और कंक्रीट को टेस्ट किया जाता है वाइल फिलिंग इन टू लेयर ये जो फर्स्टम था फर्स्टम वाला मॉल था इसको जो है दो लेयर में फिल करते हैं है ना और फिर इसको धीरे धीरे जो है रेज करते हैं और लिफ्टेड एंड ड्रॉप्ड बाय 12.5 पॉइंट फाइव एम टाइम्स इन 15 सेकेंड पंद्रह सेकेंड में पंद्रह टाइम्स जो है इसको ड्रॉप करते हैं जो स्प्रेड हो जाता है कंक्रीट डायरेक्शन जो कि मेजर किया जाता है एटलीस्ट सिक्स डायरेक्शन जो कि फर्दर रिप्रेजेंट किया जाता है यूज करने के लिए कि वर्कबिलिटी कितना हमारा हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ फ्लो इज इक्वल टू होता है स्प्रेड ऑफ़ कंक्रीट कितना स्प्रेड हुआ कंक्रीट माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड है ना तो ये हमारा परसेंटेज फ्लो निकल कर आता है इसके बाद हमारा जो दूसरा मेथड है आ, मतलब चौथा मेथड वर्कबिलिटी को चेक करने का वो है वी वी टेस्ट है ना क्या है वी वी टेस्ट तो ये जो वी वी टेस्ट है ये आपका यूज किया जाता है फॉर द कंक्रीट ताकि प्रोसेस्ड किया जाए लो वर्कबिलिटी को वे हैविंग वैल्यू ऑफ स्लम्प लिमिटेड टू फिफ्टी एम एम ये जो टेस्ट होता है वो मॉल्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम इज़ इन प्लेस इन साइड द सिलेंडर है ना सिलेंडर के में डाला जाता है और कंक्रीट को टेस्ट किया जाता है और मॉल्ट को प्रॉपर तरीके से फिल करने के बाद उसको धीरे 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 इमीडिएटली क्या कहते हैं उसको उठाते हैं है न आफ्टर इट फिल्ड कंप्लीटली जब वो पूरा का पूरा भर जाता है तब है ना पूरा का पूरा जब वो भर जाता है तब हम उसको जो है लिफ्ट कर देते हैं तो जो सिलेंडर होता है जो इसमें लोग भरते हैं उसको वाइब्रेट भी किया जाता है, है ना सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन एंड टाइम जो भी रिक्वायर्ड होता है फॉर सेप ऑफ कंक्रीट टू चेंज फ्रॉम स्लम कौन सेप टू तो सिलेंडर सेप है ना स्लम कौन सेप से सिलेंडर से, सेप में आ, कितना देर में टाइम में चेंज हो रहा है है ना वो भी रिक्वायर्ड होता है और जो टाइम लगता है मतलब जितना भी टाइम लगता है दस सेकेंड पाँच सेकेंड तो वो हमारा जो है वी वी डिग्री कहलाता है ये जो वी वी टेस्ट है ये सूटेबल होता है वेरी ड्राई कंक्रीट के लिए बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंक्रीट है उसके लिए जिसमें हम लोग स्लंप वैल्यू मेजर नहीं कर पाते हैं या स्लंप टेस्ट मेजर नहीं कर पाते हैं स्लम्प टेस्ट नहीं कर पाते हैं उस कंडीशंस में तो वीवी वी टेस्ट के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो अगर एक्सट्रीमली ड्राई है तो वीवी वी टाइम जो है बत्तीस से अट्ठारह सेकेंड होगा वही वेरी स्टीफ है तो अट्ठारह से दस स्टीफ है तो दस से पाँच और स्टीफ प्लास्टिक है तो पाँच से तीन प्लास्टिक है तो तीन से ज़ीरो और उसके बाद फिर वेरी हाई है तो उस कंडीशन में फ्लोइंग हमारा होने लगता है इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो कि हम लोग करते हैं जो कि केली बॉल पेनिट्रेशन टेस्ट ये एक सौ बावन एम एम डायमीटर हेमस्फियर हैमर होता है जिसका वेट जो है तेरह पॉइंट छः के जी होता है जो कि कनेक्टेड होता है हैंडल विद रूलर के साथ है। ये जो हैमर होता है ये फिक्स होता है ऑन बॉक्स कंटेनर थ्रू पिन और वेन पिन इज़ रिमूवड हैमर विल सिंक इनटू द फ्रेश कंक्रीट इट्स ऑन खुद से वो जो है कर जाता है तो जो डेफ्थ ऑफ हैमर पेनीट्रेट करता है उसको रीड करते हैं फ्रॉम द रूलर रूलर जो उसमें लगा रहता है उससे और यूज़ करते हैं कि इंडेक्स ऑफ वर्कबिलिटी हमारा कितना हो रहा है तो जो कंक्रीट होता है विद हाई कंसिस्टेंसी वो लीड करता है हमारा डीपर बॉल पेनिट्रेशन को सिंस जो वर्क जो मेजरमेंट हमारा होगा जो वर्कडन किया जा रहा है बाई हैमर पेनिट्रेशन या बॉल पेनिट्रेशन उसको मेजर किया जाता है और इससे भी जो हम लोग वर्कबिलिटी को क्या करते हैं मेजर करते हैं तो एक स्टार में लिख सकते हो यहाँ पे आ, केली आ, जिसको हम लोग कह सकते हैं बॉल पेनिट्रेशन टेस्ट बॉल पेनीट्रेसन बॉल पेनीट्रेसन टेस्ट है ना बॉल पेनीट्रेशन टेस्ट हमारा यहाँ पे हो जाता है ठीक है तो चलिए इन पॉइंट्स को हम लोग जो है नोट no डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो है आपका फ्लोर टेबल टेस्ट में दिया गया है पूरा पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट no डाउन कर सकते हैं जो पॉइंट्स मैंने बताया है वही पॉइंट्स यहाँ पे आपका दिया गया है है ना वही पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं आप इसको जो है प्रॉपर तरीके से नोट no डाउन कर सकते हो ठीक है वी वी टेस्ट ये आपका वी वी कंसिस्टोमीटर है है ना पहले जो है फर्स्ट टाइम के सेप में रहता है लेकिन इसको जब वाइब्रेशन देते हैं तो ये धीरे 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 क्या हो जाता है सिलेंडर का सेप जो है लेने लगता है तो वह टाइम जो सिलेंडर के सेप में ये लेने लगे तो वो जो टाइम होता है सिलेंडर के सेप में पूरा आने का वही जो है वी वी डिग्री कहलाता है है ना उसको जो है वी वी डिग्री कहते हैं ये क्लियर प्लास्टिक यहाँ पे होता है है ना ये जो है क्लियर प्लास्टिक है ये मूविंग वर्टिकल रॉड है ये आपका वी वी, वी टेबल है ये आपका कंटेनर है और ये आपका स्लम कोन है है ना यहाँ पे जो है रोटेटिंग आर्म है रोटेट करता है ठीक है तो ये वी वी टेस्ट आपका हो गया यहाँ पे डाटा देख सकते हो तो आ, केली बॉल पेनिट्रेशन टेस्ट जो है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो केली बॉल पेनिट्रेशन टेस्ट जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है जो कि मैंने बता दिया है आप उसी को बस यहाँ पे नोट डाउन करना है नोट डाउन आप इसे जो है कर सकते हो ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू